Hello children, this video is for class 4 subject English grammar. Chapter number 28 and the topic of the chapter is comprehension. So first of all we will get to know what is a comprehension. Comprehension is an exercise that tests how well you understand spoken or written language. Comprehension is an exercise that tests how well you understand spoken or written language. स्टूडेंट्स कॉम्प्रिहेंशन एक ऐसा अभ्यास है जिससे कि हम ये पता कर सकते हैं कि कोई लिखित या मौखिक अभिव्यक्ति है जिसे हम किस तरीके से कितनी अच्छी तरह से समझ सकते हैं और उसके बारे में समझा सकते हैं या उसका आंसर कर सकते हैं. लाइक देर इज़ अ पैराग्राफ विद रिलेटेड क्वेश्चंस एंड यू हैव टू आंसर दोज क्वेश्चंस बाय रीडिंग द पैराग्राफ केयरफुली. सपोज एक पैराग्राफ दिया हुआ है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं. हमें उस पैराग्राफ को पढ़ करके जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उस क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने होते हैं. तो जब हम पैराग्राफ को पढ़ेंगे क्वेश्चंस पढ़ने के बाद से हमें पैराग्राफ में से आंसर को फाइंड आउट करना रहेगा और उसका आंसर वहाँ पर देना रहता है. सो ओपन पेज नंबर 91 कॉम्प्रिहेंशन नंबर 3. Let's read the passage. The sun is a star, just one of billions of stars in the Milky Way galaxy. Although it is very huge and can fit around 14 lakh Earths inside it, the sun is smaller than the other stars. It means, Akash Ganga mein, arbon taron mein se Suraj ek tara hai. सूरज एक है, अरबों तारों में से सूरज एक है. ये बहुत ही बड़ा है जिसके अंदर 14 लाख पृथ्वियाँ फिट हो सकती हैं. पृथ्वी 14 लाख फिट हो सकती हैं. द सन इज स्मॉलर दैन द अदर स्टार्स. सूरज बाकी अदर स्टार्स से छोटा है. डू यू नो हाउ द सन शाइन्स. क्या आपको पता है सूरज कैसे चमकता है. The sun consists almost entirely of hydrogen and helium gas. At its center, the temperature is very high and it helps in turning hydrogen into helium. सूरज में लगभग पूरी तरह से हाइड्रोजन और हीलियम गैस होती है. इसके सेंटर में, सूरज के सेंटर में बीच में टेम्परेचर, तापमान बहुत ही अधिक होता है जिससे कि हाइड्रोजन को हीलियम में, हाइड्रोजन गैस को हीलियम में बदलने में मदद करता है. दिस प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ एनर्जी विच कीप्स द सन शाइनिंग. इससे बहुत सारी ऊर्जा पैदा होती है. जो कि सूरज को चमकने में मदद करती है, जिससे कि सूरज चमकता रहता है. The sun lies at the center of the solar system and there are 8 planets in the solar system. Among these planets, the earth is the only planet which has water, which is needed for life to exist. Suraj Saur Mandal ke kendra mein sthit hai. The sun lies at the center of the solar system. Suraj Saur Mandal ke kendra mein sthit hai aur सौर मंडल में पूरे 8 प्लैनेट्स हैं, 8 ग्रह हैं. इन सभी ग्रह में के बीच में, अमंग दीज प्लैनेट्स, द अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट विच हैज़ वाटर. इन सारे ग्रहों में देखा जाए तो केवल पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर पानी मिल सकता है, जहाँ पर पानी है. पृथ्वी ग्रह पर पानी है, विच इज़ नीडेड फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट. तो हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर पानी है, जो कि जीवन के अस्तित्व के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है. द अर्थ्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन प्रोड्यूसेस एग्जैक्टली द राइट टेम्परेचर रेंज नीडेड फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू सर्वाइव. इट मींस सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है वो पृथ्वी पर रहने वाले जीवों के लिए सही तापमान रेंज का उत्पादन करती है. मतलब जो पृथ्वी पर लोग रहते हैं
पृथ्वी पर और सूर्य के बीच में जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो उतना ही टेम्परेचर पृथ्वी पर, सूर्य का टेम्परेचर उतना ही आता है जितना कि पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को ज़रूरत होती है। मतलब कि वो ना ज़्यादा होता है ना कम होता है, एक सही रेंज होता है तापमान का। जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द प्लैनेट्स। जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द प्लैनेट्स। जो 8 ग्रह हैं उसमें से जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है, प्लैनेट सबसे बड़ा ग्रह है। इट इज़ बिग एनफ टू कंटेन ऑल द अदर प्लैनेट्स टुगेदर। यह इतना बड़ा है, जुपिटर ग्रह इतना बड़ा है कि यह सभी प्लैनेट्स को एक साथ सम्मिलित कर सकता है। जुपिटर इज़ ऑल्सो नोन एज अ गैस जायंट बिकॉज ऑफ इट्स थिक गैसी आउटर लेयर। जुपिटर को गैस जायंट के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसका जो बाहर का परत है, जुपिटर ग्रह का जो बाहरी परत है, गैस का जो बाहरी परत है, वो बहुत ही मोटा है। उसकी वजह से जुपिटर को गैस जायंट के नाम से भी जानते हैं। GIANT जायंट मीन्स होता है विशाल, बहुत ही बड़ा। सैटर्न इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट। जुपिटर के बाद सैटर्न दूसरे नंबर का प्लैनेट है जो कि बड़ा है। इट हैज़ मेनी ब्राइट रिंग्स अराउंड इट। सैटर्न के चारों तरफ ब्राइट रिंग्स होते हैं, छल्ले जिसे हम कह सकते हैं, चमकीले छल्ले होते हैं सैटर्न के इर्द गिर्द, उसके चारों तरफ। सैटर्न हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ मून्स लाइक जुपिटर। सैटर्न हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ मून्स लाइक जुपिटर। सैटर्न ग्रह के पास भी जुपिटर जैसे बहुत सारे मून्स की संख्या है, लार्ज नंबर ऑफ मून्स लाइक जुपिटर। सैटर्न के पास भी जुपिटर जैसे, सैटर्न मीन्स शनि ग्रह एंड जुपिटर मीन्स बृहस्पति ग्रह, तो शनि ग्रह के पास भी जो बृहस्पति ग्रह के पास मून्स की संख्या है ज़्यादा, वैसे ही सैटर्न के पास भी है। लेट्स डू एक्सरसाइज ऑफ दिस कॉम्प्रिहेंशन। फर्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज द सन अ प्लैनेट और अ स्टार? आंसर, द सन इज अ स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द टू गैसेज फाउंड इन द सन। नेम द टू गैसेज फाउंड इन द सन। आंसर, हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस। हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस। नेक्स्ट, व्हाट लाइज एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम? आंसर, द सन लाइज एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। नेक्स्ट, विच इज़ द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द प्लैनेट्स? Which is the largest of all the planets? Answer is, Jupiter is the largest of all the planets. Jupiter is the largest of all the planets. Next, fill in the blanks with words from the passage. Fill in the blanks with words from the passage. हमें इन sentences को complete करने हैं. So first is, the sun is a dash, just one of billions of stars in the dash, dash, dash. Here we can write, the sun is a star. The sun is a star, just one of billions of stars in the Milky Way galaxy. M-I-L-K-Y Milky, W-A-Y Way, G-A-L-A-X-Y galaxy. The sun is a star, just one of billions of stars in the Milky Way galaxy. Next, the earth is the only planet which has dash. So here we can write, the earth is the only planet which has water, W-A-T-E-R, water. Next, Saturn has many dash dash around it. Saturn has many dash dash. There are two blanks, so here we have to fill two words. So here we will write, Saturn has many bright rings around it. And the last sentence is, dash is also known as a gas giant. Jupiter is also known as a gas giant. Jupiter is also known as a gas giant. G-I-A-N-T, giant means big. Next is, find words in the passage which mean the same as the following words.
फाइंड वर्ड्स इन द पैसेज विच मीन द सेम एज द फॉलोइंग वर्ड्स। हमें पैसेज में से कुछ ऐसे वर्ड्स फाइंड आउट करके यहाँ पर राइट करने हैं जिनका अर्थ इन दिए गए वर्ड्स के समान हो। मीन्स इन दिए गए वर्ड्स के हमें सिनोनिम्स राइट करने हैं पैसेज में से फाइंड आउट करके। सो फर्स्ट वर्ड इज मिडल, MIDDLE, मिडल। मिडल मीन्स बीच में। सो मिडल का सिनोनिम्स होगा सेंटर, CENTRE, सेंटर। नेक्स्ट बिगेस्ट, BIGGEST, बिगेस्ट मीन्स विशाल। सो इसका हम लिख सकते हैं जायंट, GIANT, जायंट मीन्स विशाल या विशालकाय। थर्ड वन इज करेक्ट, CORRECT, करेक्ट। सो हियर वी विल राइट राइट, RIGST, राइट। करेक्ट का सेम मीनिंग देगा राइट, RIGST, राइट। नेक्स्ट लिव, LIVE, लिव मीन्स रहना। तो इसका हम लिखेंगे सर्वाइव, SURVIVE, सर्वाइव। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज फाइंड वर्ड्स इन द पैसेज विच मीन द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। इस एक्सरसाइज में हमें अपोजिट वर्ड्स राइट करने हैं, इन दिए गए वर्ड्स के अपोजिट राइट करने हैं पैसेज में से फाइंड आउट करके। फर्स्ट वर्ड इज स्मॉल, द अपोजिट ऑफ स्मॉल विल बी बिग, BIG, बिग। नेक्स्ट इनर, INNER, इनर। सो हियर वी विल राइट आउटर, आउटर वर्ड इज द अपोजिट ऑफ इनर, OUTER, आउटर। इनर मीन्स अंदर से, आउटर मीन्स बाहर से। ड्वार्फ, नेक्स्ट वर्ड इज ड्वार्फ, DWARF, ड्वार्फ मीन्स बहुत छोटा, जैसे हम ठेगना, नाटा, बौना कह सकते हैं ड्वार्फ। इसका अपोजिट होगा जायंट, GIANT, जायंट। जायंट मीन्स विशाल, बहुत ही बड़ा, जायंट। नेक्स्ट वर्ड इज डल, DULL, डल मीन्स फीका। अपोजिट विल बी ब्राइट, BRIGST, ब्राइट। नेक्स्ट इज री राइट द सेंटेंसेज बाई पुटिंग आर्टिकल द वेर एवर रिक्वायर्ड। री राइट द सेंटेंसेज बाई पुटिंग आर्टिकल द वेर एवर रिक्वायर्ड। हमें इन सेंटेंसेज में आर्टिकल द का यूज़ करके इन सेंटेंसेज को फिर से राइट करने हैं। फर्स्ट सेंटेंस इज सन लाइज एट द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। सन लाइज एट द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। इस सेंटेंस में हम बिफोर द, सॉरी बिफोर सन, सन के पहले हम द का यूज़ करेंगे। सन इज द स्पेसिफिक नेम। सो द सन लाइज एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सो बिफोर द वर्ड सन एंड सोलर सिस्टम, सन और सोलर सिस्टम के पहले हम द का यूज़ करेंगे। द सन लाइज एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। नेक्स्ट अर्थ इज द ओनली प्लैनेट विच हैज़ वाटर। सो हियर वी विल राइट द बिफोर द वर्ड अर्थ, द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट विच हैज़ वाटर, द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट विच हैज़ वाटर। डू ऑल द एक्सरसाइजेज ऑफ दिस कॉम्प्रिहेंशन इन योर बुक एंड सेंड योर होमवर्क इन योर व्हाट्सएप क्लास ग्रुप। Your next homework is, students, you have to read the passage, comprehension number 4. Read the following passage about the famous scientist Edison. जो scientist थे Thomas Alva Edison, उनके बारे में ये passage दिया गया है। तो आपको इस passage को carefully read करना है और इसके base पर जो exercises दिए गए हैं उसे आपको complete करने हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सेकंड एक्सरसाइज इज सर्कल द वर्ब्स इन द गिवन सेंटेंसेस एंड मेंशन देयर टेंस। जो ये सेंटेंसेस दिए गए हैं उसमें आपको वर्ब्स को सर्कल करना है और वर्ब्स किस टेंस में है इसे आपको मेंशन करना होगा। ये प्रेजेंट टेंस में है, पास्ट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है मेक सेंटेंसेस विद द फॉलोइंग वर्ड्स। Two words are given, succeeded and hard. So you have to make sentences with the following words. Next, punctuate the following lines. Use comma, capital letters and full stops wherever required.
आपको ये लाइंस पढ़ने होंगे और उसमें आपको कॉमा, कैपिटल लेटर्स एंड फुल स्टॉप का यूज़ करना है। सो कैपिटल लेटर हम कहाँ पर यूज़ करते हैं? जब हम इस सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, व्हेन वी स्टार्ट अ सेंटेंस वी यूज़ कैपिटल लेटर्स ऑफ द फर्स्ट वर्ड। पहला वर्ड कैपिटल होता है जब सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, और किसी अगर प्रॉपर नाउन है तो वहाँ पर कैपिटल लेटर का यूज़ करते हैं। उसी की तरह आप कॉमा और फुल स्टॉप, जहाँ आपको लगे कि यहाँ पर कॉमा होना चाहिए, फुल स्टॉप होना चाहिए, उसे आपको करना है इन लाइंस में। नेक्स्ट एक्सरसाइज है राइट वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन द अपोजिट ऑफ दीज वर्ड्स। ये फोर वर्ड्स दिए गए हैं, आपको इन वर्ड्स के अपोजिट वर्ड्स राइट करने हैं। अपोजिट, इनका अपोजिट वर्ड्स जो होगा वो आपको पैसेज में से फाइंड आउट करके यहाँ पर लिखना है। तो जब आप पैसेज को केयरफुली रीड करेंगे तो आपको इनका अपोजिट वर्ड्स मिल जाएगा।